अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन जायका विद सुमेरा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हों, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानी और बीमारियों को दूर कर दे, सबके लिए खैर बरकत करे, आमीन सुम आमीन। तो आज का जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ये रिसेप्शन का दिन था, तो मैंने ये जो वीडियो है ना काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। शादी को भी अच्छे खासे दिन हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं अपना सारा ना सामान निकाले बैठी थी अपना सब सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे ना बड़ी दिक्कत होती है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये मैं आपको अपने पर्स दिखा रही हूँ। तो ये जो ब्लैक वाला पर्स है ना, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए दुबई से, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे प्लेन सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, और ये जो क्लच है ये तो मैं खुद लाई थी अपनी साड़ी के साथ, आपको मैंने दिखाया भी था। वही मैं सोच रही थी कि आज मुझे क्या लेना था, तो आप बताइएगा मैंने कौन सा वाला पर्स लिया था अपने सूट के साथ। और ये क्लच जो है ना मैं साड़ी पे ले चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, दोनों दिन फिर एक ही हो जाता। और इस दुपट्टे को आप पहचान गए होंगे, ये दुपट्टा मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में दिखाया था। तो इसका सूट जो था ना टेलर के पास गया हुआ था सिलने के लिए, वो सिल कर आ गया था। तो ये है इसका सूट, आई होप मैं आपको सही से दिखा पा रही होंगी। तो इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, वो बहुत प्यारी सी, बहुत बारीक सी हुई हुई है और अच्छी लग रही थी ऑफ वाइट पर। तो यहाँ पर ये मेरा सूट है, मैंने प्रेस करके रखा था। आप लोग बताइएगा कि मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी आज की। और फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, और फिर हम आ गए थे फिर यहाँ पर मैरिज हॉल में। और फिर यहाँ दुल्हन भी आ गई थी हमारे आने के बाद, आई थी क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी, यानी वो पार्लर से आ रही थी। तो यहाँ बैठी दुल्हन और उनके साथ बैठी उनकी कज़िन्स वगैरह। तो देख लीजिए उनका जो लहंगा है ना रिसेप्शन का, बहुत प्यारा लग रहा था, और दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती। चलें जी, फिर हमने खाया था खाना, तो खाने में यहाँ पर था पुलाव यानी बिरयानी थी, और कौरमा था, और था जर्दा, शादी का जर्दा। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पहले मैं जर्दा नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है तो मैं खा लेती हूँ। तो बस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।